जो आप बात करते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ। जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए, लेकिन मैं क्लियर हूँ कि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है, विफाक और सूबों में अलग अलग राय सामने आ जाती है, इसी वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कौमी मफाद और हुकूमती निजाम को यकसा बना रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फ्यूचर पर पिंडी और इस्लामाबाद मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक सफारतकारों और मीडिया नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 12 अजला में री पोलिंग जारी। 568 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटर पाक फौज और फ्रंटियर कोर की सिक्योरिटी में सुबह 8 बजे से हक्के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाखेल में पोलिंग 9:30 बजे शुरू हो सकी। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इन पोलिंग स्टेशन पर बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात और उम्मीदवारों के इंतकाल पर वोटिंग रोक दी गई थी। करक में खातून ने वोटों से भरे हुए बैलेट बॉक्स को आग लगा दी। वाकया दुबली लबागर पोलिंग स्टेशन में पेश आया। बड़ी तादाद में वोट जलकर राख हो गए। कुछ वोटों को इंतखाबी अमले ने मुकम्मल तौर पर जलने से बचा लिया। पुलिस ने बैलेट बॉक्स को आग लगाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान का किंग कौन, फैसले का दिन आ गया। आज के सबसे बड़े मुकाबले में पीटीआई के उमर अमीन गंडापुर, जेयूआईएफए के कफील अहमद निजामी और पीपी के फैसल करीम कुंडी में से किसी एक को डीआई खान का सिटी मेयर चुना जाएगा। एएनपी की जानिब से पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद तीनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला जारी। खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में हुजूम के तशद्दुद से एक शख्स की हलाकत का मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट तलब कर ली। ट्वीट करके कहा, कानून हाथ में लेने वालों के लिए बर्दाश्त सिफर है। वज़ीर आला पंजाब इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी और वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का भी वाक़े पर इजहार मज़म्मत। उस्मान बुज़दार को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 62 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। नवाब शाह में सरसों की फसल पर शुरू होने वाला झगड़ा 6 जाने लेने के बाद एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया। भंड कबीले का 5 लाशों के साथ कौमी शाहरा पर धरना जारी। वाके का मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुजाहिरीन का कबीले के 5 अफराद की लाशें दफनाने से इंकार। एहतजाज के बाइस कौमी शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। सक्कर में डकैती की बड़ी वारदात, 11 डाकुओं की टीम ने कैश वैन से 5.5 करोड़ रुपए लूट लिए। बैंकों को रकम पहुंचाने वाली वैन सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस में खड़ी थी। डाकू आए, हमले को यरगबाल बनाया और रकम लेकर बासानी फरार हो गए। पुलिस ने कंपनी मुलाजमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत ज्यादा महंगाई है, क्या करे गरीब बंदा, सब्जी नहीं खरीद सकता। अभी टमाटर जो है वो इतने महंगे हैं, थूम अदरक महंगी, हरी मिर्च, ये वो हर चीज तो महंगी, क्या करें इसमें। बहुत महंगाई हो चुकी है। एक आम आदमी जो मजदूर आदमी है, 600-700 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो किस तरह ये चीजें पूरी कर सकता है। महंगाई इतनी है कि पर्ची घर वालों ने लिख के दी है इतनी लंबी, अब सोच में खड़े हुए हैं कि ले क्या, जिस चीज को हाथ लगाते हैं 200 रुपए किलो। मार गई महंगाई, अवाम के इंसाफ हुकूमत से एहसास की दुहाई। आटे दाल का भाव देखकर जिंदा दिलाने लाहौर को भी ताव आ गया। कहा हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। एक हफ्ते में घी, चीनी, सब्जी और फल की कीमतों में 10 से 15% इजाफा हो चुका। दाल माश 245, दाल मूंग 270, अदरक 250 और टमाटर 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मुल्की सियासत में हलचल, पंजाब असेंबली के पीटीआई हम ख्याल ग्रुप का इजलास कल लाहौर में तलब कर लिया गया।
ग्रुप के सरबरा MPA गजनफर अब्बास का कहना है 15 हम ख्याल अरकान इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से मुतालिक गौर होगा। दो दहाइयों की सियासी रकाबत के बाद अब मुफाहमत की कोशिश। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत को घर भेजने के लिए आज चौधरियों के घर जाएंगे। चौधरी शुजात की मिजाज कुर्सी के बाद मुल्की सियासत पर खुलकर बात होगी। चौधरी परवेज इलाही को सियासी खिचड़ी की रेसिपी भी दिखाएंगे। जो बातें आसिफ जरदारी और फजल रहमान ना बता सके वो भी मियाँ साहब बताएंगे। सियासत के चौधरियों का तहरीक अदम एतमाद के लिए सरबरा PDM पर अदम एतमाद। मौलाना फजल रहमान चौधरी शुजात और परवेज इलाही को मुतमईन ना कर सके। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने मौलाना को कहा अपोजिशन पहले खुद तो कुछ तय कर ले। शहबाज शरीफ से मुलाकात से मुतालिक भी परवेज इलाही बोले मौलाना आप इस बारे में फिक्र ना करें। फजल रहमान ने अपोजिशन में इतफाक के लिए 2 दिन का वक्त ले लिया। नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान आए पहले जेल जाएंगे। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की मैनचेस्टर में गुफ्तगू। बोले हमारा काम केसेस बनाकर अदालतों में भिजवाना है। जब भी उन केसेस पर सही पेशरफ्त हुई तो शरीफ खानदान को सजाएं होंगी। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। जानलेवा वायरस ने मजीद 41 जिंदगियां छीन ली। 24 घंटे में 3,206 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड। मजलूम कश्मीरियों से सोशल मीडिया पर इजहार यकजहती करने वाली मल्टाई नेशनल कंपनीज पर भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। रियासत गुजरात में सैकड़ों हिंदू इंतहा पसंदों ने इन बैनुल अक्वामी कंपनीज की मसनूआत रखने वाले स्टोर्स को भी निशाना बनाया। अरब ममालिक की तारीख में पहली बार इसराइली ऑफिसर तैनात। बहरेन ने अपनी फोर्स में इसराइली बहरिया के आला अफसर की तैनाती की तस्दीक कर दी। कहा तैनाती खत्ते में जहाजों की आजादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए की गई है। रूस बुध तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है अमरीकी CIA का दावा। रिपोर्ट जारी कर दी। हमले का मकाम और हमला करने वाले यूनिट्स की तफसील भी बता दी। रिपोर्ट रूसी सेंट्रल कमांड और फौजी राबतों की बुनियाद पर तैयार की गई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे फैसला कुन रद्द अमल का सामना करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार कर दिया। शिमाली चीन में शदीद बर्फबारी जारी। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स शुरू होने के बाद पहली बार बर्फबारी हुई। यांगजियाको के पहाड़ी मकाम पर ओलंपिक्स के मुतादिद वेन्यूज बर्फ से ढक गए। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। महकमे मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई।